हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरोज के किचन कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे परवल से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी, जो कि फटाफट बन जाती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम टाइम से ये बनने वाली सब्जी, इसको आप पूड़ी, पराठे या चावल या रोटी किसी के भी संग बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं। यह आपसे लेके आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी और इसको आप डिनर, लंच किसी भी टाइम पे बनाइए और खाइए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ये परवल की बहुत ही चटपटी और टेस्टी हेल्दी सब्जी। धोके और सुखा लीजिए। उसके बाद उसको हम ऐसे आगे और पीछे का डंठल काट के ले लेंगे और फिर चक्कू की हेल्प से उसको ऐसे घसते हुए उसका पतला वाला लेयर का जो छिलका होता है सिर्फ उसको हटाएंगे। यहाँ किसी भी छीलने वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ चक्कू से इसको घस घस के और इसको छील लेंगे। ये देखिए, और फिर इसको हम ऐसे बीच से दो भागों में काट लेंगे और ऐसे चीरा लगा देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो परवल लिए हैं और सारे परवल को मैंने ऐसे ही छील के और काट लिया है। अब आइए हम इनको डीप फ्राई करते हैं। इनको डीप फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया है, उसमें हम ऐसे सारे परवल या जितने इस तेल में अटे उतने आप डाल लीजिए। और ये देखिए, इनको ओवर कुक नहीं करना है, जब ये पक जाएँ तो उसके बाद इनको हम तेल से निकाल लेंगे। यहाँ पहले मैंने फ्लेम हाई कर रखी थी, फिर मैंने इनको मीडियम हाई फ्लेम पे ऐसे ही 5 मिनट तक फ्राई किया है। 5 से 10 मिनट लग जाते हैं और ये पूरे सारे परवल फ्राई हो जाते हैं। सारे परवल फ्राई होने के बाद में आप दूसरी कढ़ाई लीजिए और उसमें बस 2 छोटे चम्मच आप तेल ले लीजिए। यहाँ पर तेल का इस्तेमाल हम इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि हमने परवल को डीप फ्राई किया है। अब हम इसमें छौंक लगाएंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच हींग लिया है। और ये मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची को कूट के उसका पेस्ट बना लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए, उसके बिना भी ये सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। अब इसको हम ऐसे चम्मच की हेल्प से मिलाते हुए और तेल में भूंज लेंगे। उसके बाद हम उसमें देंगे ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में हम दे देंगे इसमें 1/4 चम्मच हल्दी या 1/2 चम्मच हल्दी भी ले सकते हैं आप। ये नमक है 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लें। फिर इनको हम ऐसे ही तेल में 1 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम एकदम लो रखें या फिर 1 मिनट के लिए आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए अगर कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई है तो, नहीं तो मसाले जलने का डर हो जाता है। और अब हम इसमें परवल डाल देंगे जो कि हमने फ्राई कर रखे हैं और मसाले इसमें मिला लेंगे। मसाले मिल गए हैं, अब हम ये 1 कटोरी दूध की मलाई डालेंगे इसमें, जो कि हमने थोड़ी सी फेंट ली थी। फेंट के लीजिए आप मलाई। और साथ में ही हम लेंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी दूध। 1 कटोरी दूध और 1 कटोरी मलाई से हमारी सब्जी एकदम बन के परफेक्ट तैयार हो जाती है। अब सब्जी में जब तक उबाल नहीं आता है तब तक आप सब्जी को ऐसे ही चलाते हुए पकाएं, नहीं तो दूध फट जाएगा और हमारी जो ग्रेवी है वो इतनी क्रीमी और अच्छी नहीं बनेगी, खाने में वो छेने जैसी हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ा सा बस चलाइए, 2 मिनट का काम है हाई फ्लेम पे, तो इसमें बॉयल आ जाएगा। अब हम फ्लेम को वापस से लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इनको आराम से दूध और मलाई में परवल को पकने देंगे। और हर 1 मिनट में आप सब्जी को ऐसे 1-1 मिनट में चेक करते रहें, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगी। ऐसे हिला दीजिए और वापस ढक दीजिए और बस इसको लो फ्लेम पे पकने दीजिए। ये देखिए, 5 मिनट में हमारी सब्जी बनके एकदम रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी और शानदार सब्जी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से मलाई के मसालों की। ये आप घर में ज़रूर ट्राई करिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सब्जी को आप ऐसे टोपिए में निकाल लीजिए और जो हमारी मलाई से घी निकला है उसको हम 1 कटोरी में अलग रख लेंगे और इसका आप इस्तेमाल मसाले पराठे जब बनाते हैं ना उसमें भरने के काम में लीजिए, पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, हमारी बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है
वो भी एकदम फटाफट, पता भी नहीं चलता और ये सब्जी फट से बनके तैयार हो जाती है। इसे आप पूड़ी पराठे के संग खाइए, ये बहुत अच्छी लगती है। चावल रोटी के संग भी इसे खाया जा सकता है। सुबह के नाश्ते में, लंच में कभी भी खाइए, बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।